और नाज़रीन वफाकी वजारत ख़जाना की जानिब से दस्तावेजात शेयर की गई हैं। सूबों के सरप्लस बजट में कमी हुई है। माली साल 2023 में सूबों के सरप्लस बजट में 196 अरब रुपए की बड़ी कमी देखी गई है। उमर हयात से मज़ीद डिटेल्स लेंगे हम इस रिपोर्ट के हवाले से। उमर बताइएगा क्या दस्तावेजात शेयर की गई हैं। जी बिल्कुल, माली साल 2023 में सूबों का सरप्लस बजट जो है उसमें 196 अरब रुपए की बड़ी कमी हुई है। और गुज़िश्ता माली साल अगर देखा जाए तो सूबों का सरप्लस बजट 155 अरब रुपए रहा और माली साल 2022 में सूबों ने 351 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया था। और माली साल 2023 में पंजाब ने 90 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया। माली साल 2022 में पंजाब का सरप्लस बजट 351 अरब 54 करोड़ रुपए था। और माली साल 2023 में सिंध ने 50 अरब 40 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट दिया। माली साल 2022 में सिंध का सरप्लस बजट जो है वो 48 अरब 79 करोड़ रुपए था। और माली साल 2023 में खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस बजट 16 अरब 65 करोड़ रुपए रहा। और माली साल 2022 में खैबर पख्तूनख्वा का जो सरप्लस बजट था वो 49 अरब रुपए खसारे में था। और माली साल 2023 में बलोचिस्तान के बजट में 2 अरब 52 करोड़ रुपए का खसारा रहा। और माली साल 2022 में बलोचिस्तान का बजट 16 करोड़ रुपए खसारे में था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर हमारे साथ ये डिटेल शेयर कर रहे थे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। 76वें में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।